हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग जगह लेके चल रही हूँ, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, एक नर्मदा नदी का तट है जो कि स्थित है एमपी में। महेश्वर करके ये जगह है जो कि इंदौर से करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे छोटे छोटे से कुंड, जो सेल्फ कुंड बनते हैं ना, वो बने हुए हैं। सहस्त्र धार करके ये जगह है। यहाँ पे नर्मदा जी की धार कई जगह से आई है, आप देख सकते हो ये धार आई है। और बहाव तो तेज है, लेकिन पानी बहुत बिल्कुल भी गहरा नहीं है। तो छोटे बच्चे या फिर फैमिली के साथ आप अच्छे से यहाँ पे नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। समर के लिए तो ये बेस्ट है। अभी आप देख सकते हो सब लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जब आप यहाँ आना शुरू करते हो ना, 200 मीटर करीब दूर आपको खाने का सामान भी मिल जाएगा। छोटा मोटा नाश्ता या गन्ने का रस है, चाय है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और खाना यहाँ नहीं मिलता, वो आपको अगर खाना चाहते हो यहाँ बैठ के आप, तो वो आपको घर से लाना पड़ेगा या रास्ते में पैक कर आना पड़ेगा। तो ये इंदौर के पास ये 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही अच्छा तट है ये, और सब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखोगे पानी में जब आप जाओगे ना, तो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो संभल के यहाँ पे आप डाई वगैरह ना लगाएं और आराम से आप यहाँ पानी में बैठ सकते हो। नेचुरल ब्यूटी है, चारों तरफ देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग जगह है। बहुत अच्छा आप टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, आराम से 2-3 घंटे यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो। और अगर आप खाने का सामान लाते हो, यहाँ आप किनारे में पिकनिक स्पॉट है ये, किनारे में आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पे बना भी सकते हो। पार्टी वगैरह जो भी आप बनाना चाहो, सारा सामान आपको लेकिन घर से लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, एमपी का एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, आउटिंग प्लेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप यहाँ आसपास कहीं रहते हो या कहीं घूमने जाना चाहते हो तो ये बेस्ट है। अभी समर है तो हमें काफ़ी चलना पड़ा, बाकी जब रेनी या विंटर सीजन में पानी की कमी नहीं होती तो और पास पानी आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा ये फिर भी नहीं होता है। किनारे में रह के आप अलग अलग कुंड जैसे बन जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी और कुछ भी नहीं, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगी। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपने परिवार के साथ यहाँ वक्त बिताएँ। मैं जल्दी आती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।